ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जीवों का शरीर, चाहे वो जानवरों का शरीर हो या फिर पेड़ पौधों का शरीर हो या फिर हम मनुष्यों का शरीर हो, तो इन सभी एक करके लेवल से हम जीवित प्राणी बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुमार नॉलेज 2.0 पर। आज हम जानने वाले हैं हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, हमारा शरीर कैसे बनता है। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुकोशिकीय जीव, जो एक से अधिक सेल्स कोशिका से बने हुए हैं, उनके शरीर का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, वो सभी सबसे पहले सिंगल सेल से ही बनते हैं। चाहे हम मनुष्य हों, पेड़ पौधे हों या फिर कोई जानवर हो, ये सभी सबसे पहले सिंगल सेल से बनना स्टार्ट होते हैं और बाद में ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, प्राणी बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हम जानेंगे कि जीवों के शरीर का निर्माण कैसे होता है, उनका शरीर कैसे बनता है। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम इसके बारे में शॉर्टकट में जानेंगे, ताकि इसका पूरा इमेज हमारे माइंड में सेट हो जाए, और इसके बाद में डिटेल से जानेंगे। हमारा लाइफ शुरू होता है एटम्स से। एटम्स आपस में मिल करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स आपस में मिल करके सेल्स बनाते हैं, अलग अलग सेल्स आपस में मिल करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज आपस में मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जैसे हार्ट हो गया, लीवर, किडनी, इनके बाद में ये सभी ऑर्गन्स आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, और ये सभी ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर के ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जीवों का शरीर, चाहे वो जानवरों का शरीर हो या फिर पेड़ पौधों का शरीर हो या फिर हम मनुष्यों का शरीर हो। ऑर्गेनिजम्स आपस में मिल करके पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन आपस में मिल करके कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी आपस में मिल करके इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम्स आपस में मिल करके बायोस्फीयर बनाते हैं। अब ये था शॉर्टकट में इसके बारे में जानकारी, अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। हमारे शरीर का निर्माण शुरू होता है एटम्स से। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी का लाइफ शुरू होता है एटम्स से। हर प्राणी का लाइफ शुरू होता है एटम्स से। ये सभी एटम्स अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स से होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सभी एटम्स आपस में मिलकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं, ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। और ये सभी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल्स आपस में मिल करके सेल यानी कोशिका बन जाते हैं। अब जो जीव एक कोशिका से बने रहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके शरीर का निर्माण तो इतने लेवल्स में ही हो जाता है। लेकिन जो जीव एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम मनुष्य, पेड़ पौधे, एनिमल्स, तो इन सबके शरीर के निर्माण में और प्रोसेस होते हैं। अब सेल्स के बाद में जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके शरीर में टिश्यूज बनते हैं, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू डू द सेम वर्क फॉर्म ए टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू डू द सेम वर्क फॉर्म ए टिश्यू। जिन जिन कोशिकाओं का सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, एक जैसा बनावट, सिमिलर ओरिजिन रहता है और सिमिलर फंक्शन, एक जैसा उनका कार्य रहता है, तो वो आपस में मिल करके टिश्यूज बन जाते हैं, जैसे इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज। इसके बाद में हमारे शरीर के ऑर्गन्स बनते हैं। इसमें अलग अलग टिश्यूज आपस में कंबाइन होके जो एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशिष्ट कार्य कर सके, जैसे हमारे शरीर का हृदय, हार्ट, जो एक ऑर्गन है, ये अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से मिलकर के बना है, जैसे मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फैट टिश्यूज और इपिथेलियल टिश्यूज, ताकि ये एक स्पेसिफिक कार्य कर सके, स्पेसिफिक फंक्शन कर सके। ऑर्गन्स के और एग्जांपल्स हैं जैसे किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन और लंग्स। तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से मिलकर के ऑर्गन्स बनता है। इसके बाद में आता है ऑर्गन सिस्टम। इसमें कई सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर के जीवन की एक महत्वपूर्ण कार्य आपस में मिलकर के करते हैं, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम मनुष्यों में पाचन तंत्र।
इसमें अलग अलग ऑर्गन्स आपस में मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। जैसे पाचन तंत्र में लीवर, स्टोमक, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी आपस में मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद में ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। ये सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल करके कोऑर्डिनेट मैनर में एक साथ कार्य करने लगते हैं और एक जीवित प्राणी का निर्माण हो जाता है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जीवों का शरीर, चाहे वो जानवरों का शरीर हो या फिर पेड़ पौधों का शरीर हो या फिर हम मनुष्यों का शरीर हो, तो इन सभी एक एक करके लेवल से हम जीवित प्राणी बन जाते हैं और हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में आता है हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिजम्स के बाद में पॉपुलेशन बनता है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज एग्जिस्टिंग इन ए गिवन लोकेलिटी और एरिया मेकअप ए पॉपुलेशन। किसी एरिया या फिर लोकेलिटी में एक ही जाति के जीव आपस में मिल करके पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे हम मनुष्य एक ही स्पीसीज के हैं, एक ही जाति, तो हम सभी का ग्रुप आपस में मिल करके एक पॉपुलेशन बना, तो ये हम मनुष्यों का पॉपुलेशन हो गया। जैसे हॉर्स, घोड़ा, घोड़े के स्पीसीज के जितने भी जानवर हैं वो सभी आपस में मिल करके हॉर्स का पॉपुलेशन बनाएंगे, वो हॉर्स का पॉपुलेशन हो गया। कैट, बिल्लियां, कैट आपस में मिल करके कैट का पॉपुलेशन बनाएंगे। इसके बाद में आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी, जब किसी अलग अलग पॉपुलेशन और अलग अलग स्पीसीज के जीव किसी एक विशेष स्थान पर रहते हैं, पार्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। जैसे तालाब में फिशेज रहती हैं, मछलियाँ, श्रिम्प्स रहते हैं और इंसेक्ट्स रहते हैं, इन सभी का पॉपुलेशन अलग अलग होता है और ये अलग अलग स्पीसीज के होते हैं लेकिन एक साथ रहती हैं, तो इसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। इसके बाद में आता है इकोसिस्टम। कम्युनिटी के आपस में मिलने से इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम जीवों मतलब ऑर्गेनिजम्स और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के इंटरैक्टिंग की एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है। इसमें पेड़ पौधे साथ ही साथ जानवर आपस में इंटरैक्ट रहते हैं ताकि मैनर वे में एनर्जी फ्लो होती रहे। ये था इकोसिस्टम। इसके बाद में इकोसिस्टम्स आपस में मिल करके बायोस्फीयर बनाते। बायोस्फीयर टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्फीयर होता है। बायोस्फीयर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फीयर। सबसे पहला है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडीज, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और सीस। जो जीव पानी में रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, उनको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। दूसरा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब होता है टेरेस्ट्रियल एरिया, मतलब लैंड सरफेस, जो भूमि वाला सरफेस है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो जीव भूमि वाले भाग पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तीसरा है एटमॉस्फेयर, गैसेस वाला भाग। गैस हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों भाग को घेरे रहती। जो जीव एटमॉस्फेयर में रहते हैं उनको एरियल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, पंछियां, ये सभी एटमॉस्फेयर में रहती हैं। लिथोस्फीयर में जानवर रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में एक्वेटिक एनिमल्स जैसे मछलियां और श्रिम्प्स। ये था जीवित प्राणियों का आखिरी लेवल, बायोस्फीयर। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।